तो छुलांते मेर शौन नंते मेर प्यार तो पेश तमर सामन आज विशेष आज हम फशकनु श्री हरिश्चंद सिंह रावत जी के बारे में। हरिश्चंद सिंह रावत जी जोहार के रहने वाले, ही वॉज द फर्स्ट उत्तराखंडी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ही वॉज सेवंथ इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड ही वॉज 22nd पर्सन ऑफ द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो एक बार जोरदार तालियां हरिश्चंद सिंह रावत जी के लिए। हरिश्चंद सिंह रावत जी क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1965, ठीक 12 साल पहले, ठीक इसी दिन 29 मई 1953, Edmund Hillary and Tenzin Norgay, they also climbed Mount Everest on the same day. अब जो है यहाँ पर बात करना चाहते हैं हम हरिश्चंद सिंह रावत जी के जीवन के बारे में। हरिश्चंद सिंह रावत जी का जन्म 3 जुलाई 1934 को मुंशियारी के सरमोली गांव में हुआ। उनके पिताजी शेर सिंह रावत जी, माता गंगोत्री रावत जी। शेर सिंह रावत जी अल्मोड़ा जिला परिषद के चेयरमैन रहे, तो उनको चेयरमैन साहब के नाम से जाने लग गए। और उनके दादाजी राय बहादुर किशन सिंह 19वीं शताब्दी के महान अनर्सों में से एक, राय बहादुर किशन सिंह रावत, उनके पोते हुए कौन, हरिश्चंद सिंह रावत। बचपन से ही वो लोग कौसानी आ गए थे, तो कौसानी में जो है उनका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुआ। हरिश्चंद सिंह रावत जी बचपन से ही हर चीज में फर्स्ट, पढ़ने लिखने में फर्स्ट, खेलकूद में फर्स्ट, जज्बा उनमें बचपन से ही दिखाई देने लग गया था। तो उन्होंने प्री स्कूलिंग सब कौसानी से किया, हाई स्कूल भी है कौसानी से किया, इंटरमीडिएट उन्होंने अल्मोड़ा से किया और बीए उन्होंने लखनऊ से किया। 1952 में ही वॉज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन रॉ। और मुझे ये बताते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से लेके वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी तक वो बने, डीआईजी पुलिस रॉ। उनकी प्रतिभा तो मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने आप को नंबर वन के नीचे से कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ही ऑलवेज स्टूड नंबर वन। तो जैसे ही वो नौकरी में आए तो उन्होंने माउंटेनिंग में काफी रुचि लेना आरंभ किया। तो पहले पहले तो छोटे छोटे पीक से उन्होंने जो है क्लाइम किया, लेकिन जो बड़ी सफलता मिली उनको 1962 में कंगलचा पीक इन ले, which is around 20,000 feet high, as a group leader वहां गए और they conquered Kanglucha Peak, which is 30 miles south of Leh. उसके बाद 1963 में हाथी पर्वत की चढ़ाई किया, which is 22,070 feet high. फिर लगा उनको कि अब मैं एवरेस्ट जरूर चढ़ूंगा, आई विल क्लाइम एवरेस्ट एट एनी कॉस्ट, उन्होंने डिटरमिन कर लिया। सो बड़ी खुशी की बात हुई, 1964 में उनका नाम एवरेस्ट एक्सपेडिशंस 1965 के लिए सिलेक्शन हो गया।
उसके बाद 1964 में जो प्री एवरेस्ट कोर्स करने के लिए गए तो ही क्लाइम माउंट एथॉन विच इज 22,000 हाई। हौसला गदगद था, यस आई विल क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इन 1964 व्हाट हैपेंड, इंडियन इंटेलिजेंस एंड अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA ऑफ अमेरिका ज्वाइंटली उन्होंने एक्सपेडिशन किया नंदा देवी का फ्रॉम द ईस्ट एंड। तो उन्होंने किया, आगे किया, और जानते हैं ये किस लिए किया? ये इसलिए किया बिकॉज चाइनीज वर कैरिंग आउट देयर न्यूक्लियर टेस्ट, सो दे वॉन्टेड टू पुट सम डिवाइस इन नंदा पीक जिससे चाइनीज की गतिविधियां भारत सरकार को पता चलता रहे। ऐसे में वो लोग वहां गए, आधे रास्ते तक पहुंच भी गए, लेकिन हरिश्चंद्र सिंह रावत जी, MS कोहली जी भी उसी में थे। हरिश्चंद्र सिंह रावत जी जब नंदा देवी की चढ़ाई में चढ़ रहे थे तो सडनली मौसम खराब हुआ और पूरा अवलंच नीचे गिरा। 3,500 फीट लुढ़कते हुए नीचे गिर गए हरिश्चंद्र सिंह रावत जी, बट ही सर्वाइव्ड। अब आप समझ सकते हैं कि कितना अंदर से हौसला होगा कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। उनको कुछ भी नहीं हुआ, ही सर्वाइव्ड। एनीवे दे ऑल रिटर्न, जो सामान ले गए थे वहीं छोड़ाए। फिर वो 1965 का वो सुनहरा पल आया, काठमांडू से पहुंचे वो एवरेस्ट बेस कैंप में, तो मौसम खराब, तो 10-12 दिन तक वहीं पर टिके। दैट वॉज द फर्स्ट बिगेस्ट समिटर्स रहा 1965 का, और कई लोग उसमें गए थे। जब 10-12 दिन का इंतजार किया, जब मौसम खुलने लगा, तो फिर वो चढ़ाई चढ़ने लगे। तो पहला समिट में गए, दूसरा, तो तीसरे में हरीश रावत जी जिस ग्रुप में थे वो लोग गए। मेजर SPS अहलूवालिया जी, फूदौर जी और मिस्टर बहुगुणा, ये सब लोग जो है इकट्ठे गए। अब एडवांस बेस कैंप में पहुंच गए और वहां से जो है फिर वो मेजर SPS अहलूवालिया जी और फूदौर जी आगे चले गए, और साथ में थे हमारे हरिश्चंद्र सिंह रावत जी और भगुना जी। ये मैं बात कर रहा हूं 28 मई 1965 का। जब चलने लगे तो भगुना जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, काफी रैशेस हो गए शरीर में। तो ही उन्होंने कहा, ऐसा करो रावत जी, तिम जैसा मैं वलार जाऊं बेस कैंप। रावत जी नहीं माने, उन्होंने कहा चलो, लेकिन उनकी हो ही नहीं पा रहा था, तो ठीक है। फिर उन्होंने उनको बेस कैंप में छोड़ा। 28 मई की बात कर रहा हूं मैं। तो रात भर ऐसे पड़े हुए हरीश रावत जी को लग रहा था, मैं क्या करूं क्या ना करूं। कुछ में रात में अदरता में अब मूड वूड सब खोले हुए, अब मूड लोगों से लोकड़ पटे हुए। फिर बूट को उसने किसी तरह से गर्म पानी करके खोला, 1 घंटे लगा बूट को पहनने में, गर्म पानी बनाने में 1 घंटा। रात में 4 बजे हरिश्चंद्र सिंह रावत जी तैयार है गए, और उन्होंने फिर वहां से फोन किया जो समिट के जो मेडिकल ऑफिसर थे, कैप्टन चक्रवर्ती, आई एम लिविंग द कैम्प एंड आई एम गोइंग। आप विश्वास नहीं करोगे, 28,000 फीट हाइट के ऊपर जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, अकेले हरिश्चंद्र सिंह रावत जी निकल पड़े, जल दिखे ना।
keep on going, keep on going, keep on going. And finally, he met SBS Ahluwalia ji, Major Saab, Phoodor ji. बड़ी खुशी में मैं यहां पर कह सकता हूं, मेरे ख्याल से अगर 16 एवरेस्ट में चढ़ने वाले किसी को कह सकते हैं तो हरिश्चंद्र सिंह रावत जी को कह सकते हैं। 28,000 फीट के ऊपर कोई अकेले नहीं गया, ही वेंट एंड ही क्रिएटेड हिस्ट्री। जब तीनों लोग मिले देन फिर तीनों लोगों का खुशी का ठिकाने नहीं रहा, दे क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट और तीनों लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत 29,007 फीट। ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड 3 पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया दे स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये हिस्ट्री बनो। उसके बाद क्या पल था, हरिश्चंद्र सिंह रावत जी ने फटाक से अपना कैमरा निकाला और फूदौर जी मेजर एचपीएस अहलूवालिया जी का फोटो निकाला और जानते थे इधर वो फोटो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंप के रूप में निकाला एज ए डेडिकेशन टू एवरेस्ट एक्सपेडिशन 1965 के लिए। तो हरिश्चंद्र सिंह रावत जी कमाल। तो हरिश्चंद्र सिंह रावत जी कमाल। उसके बाद आए नीचे, फिर इंडिया आया। इंडिया में उस साल भारत के 9 लोगों ने एवरेस्ट फतह किया। दैट वाज द हाईएस्ट पीपल हु कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट। खुशी की लहर पूरे भारतवर्ष में फैल गया जब वो लोग नेपाल से इंडिया आए। लोग वहां झूमने लग गए, नाचने लग गए, गाने लग गए, यहां तक कि पूरी खुशी की लहर जो है फैल गई देश में। उसी वर्ष 1965 में हरिश्चंद्र सिंह रावत जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसी वर्ष 1965 में हरिश्चंद्र सिंह रावत जी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। सैल्यूट हरिश्चंद्र सिंह रावत जी। फिर इन 1966 आईएमएफ मेडल वो भी हरिश्चंद्र सिंह रावत जी को दिया गया। और 1969 में ही वॉज सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट वर्ल्ड इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग मीट इन फ्रांस। हरिचंद सिंह रावत जी वहां गए, मीटिंग हुआ और वहां पर भी एक्सपेडिशन किया गया आल्प्स पर्वत का, उसको भी कॉन्कर कर आए हरिचंद सिंह रावत जी। तो एक बार जोरदार ताली हरिचंद सिंह रावत जी के लिए। 1970 में वो वापस आए, पुलिस मेडल उनको मिला। और 1972 में जोहार मिलम का नंदा खाट 6,759 मीटर हाई, उसको भी कॉन्कर किया हरिचंद्र सिंह रावत जी ने। तो दोस्तों इस तरह से माउंटेनियरिंग में काफी उनका लगाव रहा। आईएमएफ के वो मोर देन 20 इयर्स तक वाइस प्रेसिडेंट रहे। आईएमएफ को इंटरनेशनल फेम दिलाने में अगर किसी व्यक्ति का विशेष कंट्रीब्यूशन है वो है हरिश्चंद्र सिंह रावत जी का। फाइनली ही गॉट रिटायर्ड एज डीआईजी पुलिस रॉ ऑन 31 जुलाई 1990। उसके बाद उन्होंने काफी समय दिया हमारे अपने सोसाइटी में देश के लिए। ही कीप ऑन गोइंग कोसानी, कीप ऑन गोइंग मुंशियारी। एक एनजीओ भी उन्होंने खोला था, होप हिमालयन ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स एम्पावरमेंट, वो काफी बेहतरीन रहा।
काफी लगाव था उनका लोगों से। बीस जनवरी 2008 में उनका आंतरिक बीमारी के कारण डेथ हुआ। उसमें हम लोग दिल्ली में थे, we could able to attend that function. We lost a great personality. तो कैसा लगा? मन लगी? तो इसी फिर से चेचेवा चैनल में हम जोहार मुंशायरी की बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मजाकार चेचेवा।